साथियों भारत का डिजिटल फिनटेक सॉल्यूशन और आज युग फिनटेक का है, इसके विषय में भी मैं कहूंगा। कभी पार्लियामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है, वो सुन देख लेना, जिसमें देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या वो बोले हैं। आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा, ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का यही तो हाल होता है जी। फिनटेक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आज पूरी दुनिया इसको आकर्षित हो रही है। वर्ल्ड बैंक समेत सबने ये उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी सराहना की है। और मैं आपसे कहूंगा कि यहां एक प्रदर्शनी में एक पूरा फिनटेक डिवीजन है, ये कैसे काम करते हैं उसका आपको वहां देखने को मिलेगा। किस प्रकार से मोबाइल फोन पर पेमेंट होते हैं, कैसे पैसे आते हैं जाते हैं, सारा वैसे आपको यहां देखने को मिलेगा। और मैं कहता हूं ये फिनटेक का जो प्रयास हुआ है ये सही मायने में बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल इसका उत्तम से उत्तम समाधान है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो भारत की अपनी है, यानी बाय द पीपल। देशवासियों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, यानी ऑफ द पीपल। इसने देशवासियों के लेन देन को आसान बनाया, यानी फॉर द पीपल। इसी वर्ष मई के महीने में भारत ने हर मिनट, गर्व करेंगे दोस्तों आप, भारत ने हर मिनट में 1,30,000 से अधिक यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए हैं। हर सेकंड औसतन 2,200 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए हैं प्रति सेकंड। यानी अभी जो मैं आपसे भाषण कर रहा हूं, जब तक मैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इतने शब्द बोलता हूं, इतने समय में यूपीआई से 7,000 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं जो दो शब्द बोल रहा हूं इतने समय में, ये काम आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो रहा है। और साथियों आपको गर्व होगा, भारत के कोई कहता है अनपढ़ है, टिकना है, फलाना है, ये है, वो है, पता सो बताता है। वो देश की ताकत देखिए, मेरे देशवासियों की ताकत देखिए। दुनिया के समृद्ध देश, उनके सामने मेरा देश जो डेवलपिंग कंट्री की दुनिया में है, दुनिया का 40% डिजिटल लेन देन हमारे हिंदुस्तान में होता है दोस्तों। इसमें भी भीम यूपीआई आज सरल डिजिटल ट्रांजेक्शन का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। और सबसे बड़ी बात, आज किसी मॉल के भीतर बड़े बड़े ब्रांड्स बेचने वाले के पास ट्रांजेक्शन की जो टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी आज उसके सामने रेहड़ी पटरी वाला और ठेला वालों बैठो है ना, आप लोग फुटपाथ पर 700-800 रुपया कमाते हो, ऐसा मेहनत कश मजदूर के पास भी वही व्यवस्था है जो बड़े बड़े मॉल में अमीरों के पास है। वरना वो दिन भी हमने देखे जब बड़ी बड़ी दुकानों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड चलते थे और रेहड़ी ठेले वाला साथी ग्राहक के लिए छूटे पैसे की तलाश में ही रहता था। और अभी तो मैं देख रहा था एक दिन बिहार का कोई प्लेटफॉर्म पर कोई भिक्षा मांग रहा था, तो वो डिजिटल पैसे लेता था। वो अपना क्यूआर कोड बताता था। अब देखिए भाई, दोनों हर रक्के से पास, अमीर हो या गरीब हो, गांव का हो या शहर हो, हर एक के पास समान शक्ति है
यही डिजिटल इंडिया की ताकत है। इसलिए आज दुनिया के विकसित देशों या फिर वो देश जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए यूपीआई जैसे भारत के डिजिटल प्रोडक्ट आज आकर्षण का केंद्र है। हमारे डिजिटल सॉल्यूशंस में स्केल भी है, ये सिक्योर भी है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी है।